हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक कमाल धमाल वाला ड्रोन। जैसे दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको फर्स्ट कौन सी वाली वीडियो देखना है, हेलीकॉप्टर की या फिर ड्रोन। तो उसमें से ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि गाइस हमें देखना है ड्रोन। तो गाइस आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं ला लिया हूँ यहाँ पर एक जबरदस्त वाला ड्रोन। तो आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फ्लाइंग टेस्ट। तो इस ड्रोन की खास बात आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, इसमें है बैरोमीटर सेट हाइट 1 की टेक ऑफ लैंडिंग 360 डिग्री फ्लिप्स टर्न 6 एक्सिस जायरोस्कोप हेडलेस मोड फ्लैशिंग एलईडी लाइट्स 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो यार इतने सारे फीचर्स एक ड्रोन के अंदर, कमाल की बात है दोस्तों। इस वाले ड्रोन को मैंने परचेस किया था फ्लिपकार्ट से और इसका प्राइस आप यहां पे देख सकते हो 1799। तो आप भी अगर इसे बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो चलिए गाइस बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। उससे पहले गाइस आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये ड्रोन दो कलर्स में अवेलेबल है, एक है येलो कलर और एक है रेड कलर। तो हमें यहाँ पर मिला है येलो कलर वाला ड्रोन। तो इसके साथ हमें क्या क्या चीजें मिलती है मैं बता देता हूं आपको। ये रहा इसका यूजर मैनुअल। आपको ये ड्रोन उड़ाना है तो यार जरूर से ये मैनुअल पढ़ना ही होगा, वरना आप नहीं उड़ा पाओगे इस ड्रोन को। तो और देख सकते हो ये रहा ड्रोन, तो इसे देखते हैं थोड़ी ही देर में। और ये रहा इसका कमाल धमाल वाला रिमोट, और ये रहा इसका चार्जिंग केबल और 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स। तो इन सारी चीजों को साइड में रख लेते हैं दोस्तों, तो सिर्फ यहां पर हमारा ड्रोन और ये रिमोट कंट्रोल ही रहेगा। तो गाइस पहले मैं आपको ड्रोन दिखा देता हूं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा गाइस ये ड्रोन कितना छोटा है यार, बहुत ही लाइट वेट भी है और बहुत ही छोटा सा ड्रोन है ये। तो इसके प्रोपेलर्स देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं और यहाँ पर प्रोपेलर गार्ड्स भी दिए हुए हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल प्रोपेलर गार्ड्स दिए हुए हैं इसके साथ। और यार ये बिल्कुल भी लेडी बग जैसा ही दिखता है, इसका डिज़ाइन एकदम कमाल का है यार। तो 4 यहाँ पर प्रोपेलर्स है और सामने एक LED लाइट दी हुई है। तो गाइस इसमें एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी बैटरी रिमूवेबल नहीं है। तो यार रिमूवेबल बैटरी होने पर बहुत दिक्कत होती है उसे चार्ज करने में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, वो केबल लगाकर डायरेक्ट इसे चार्ज कर सकते हो अपने PC से। तो यहाँ पे ऑन ऑफ वाला एक स्विच भी दिया गया है, इसे ऑन कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो पीछे की ओर देख सकते हो 2 ग्रीन लाइट जल रही है और सामने 2 रेड लाइट जल रही है। तो चलिए रिमोट भी देख लेते हैं। वाह यार एकदम प्रीमियम क्वालिटी का रिमोट दिख रहा है ये, तो एकदम कमाल का डिजाइन है इस रिमोट का। तो ये रहा आगे पीछे लेफ्ट राइट, एकदम कमाल का जॉयस्टिक है यार। तो यहां पर भी देख सकते हो दोस्तों 4 बटन्स दिए हुए हैं, ये है टेक ऑफ और टेक ऑन वाला बटन, और ये है 3D फ्लिप वाला बटन। और गाइस ये दोनों बटन्स किस लिए काम में आते हैं मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो यह इसका ऑन ऑफ वाला स्विच, तो इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों और इसके अंदर बैटरीज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर आ जाती है 4 बैटरीज। तो यहाँ पे डाल लिए गाइस मैंने 4 बैटरीज। तो अभी इस रिमोट को कर लेते हैं ऑन। तो देख सकते हो यहाँ पर एक लाइट जलने लगी है अभी। तो इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। देख सकते हो इस तरह से, फिर इसे बैक, और ये ड्रोन हो चुका है इस रिमोट से कनेक्ट।
तो देख सकते हो दोस्तों, तो इसकी लाइट्स अभी स्टेबल हो चुकी है, यानी कि यह ड्रोन इससे कनेक्ट हो चुका है। तो अभी आपको टेक ऑफ के लिए ये बटन दबाना होगा। तो अभी मैं आपको छोटा सा डेमो बताऊंगा, उसके बाद गाइस हम शॉर्ट आउट देंगे। तो ये रहा इसका टेक ऑफ वाला स्विच, तो इसे दबाते हैं, देख सकते हो गाइस, वाओ। तो दोस्तों आपको इसकी आवाज से ही अंदाजा हो गया होगा ये कितना पावरफुल ड्रोन है। तो ये थी दोस्तों हमारी लास्ट वाली वीडियो, बेस्ट होवर डिस्क फुटबॉल अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो यार जाकर जरूर से देख लेना, इसके अंदर मैंने आपको कमाल का फुटबॉल दिखाया हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हो हमें मिले हैं 540 कमेंट्स और गाइस यहाँ पे आपने किए हैं 861 लाइक्स। तो यार यहाँ पर 3000 लाइक्स तक जरूर से कर देना और अपना सपोर्ट चटपट टॉय टीवी को दिखाना। तो कमेंट्स देख सकते हो दोस्तों कितने ढेर सारे कमेंट्स मिले हैं हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे कमेंट्स को मैंने हार्ट भी दे रखे हैं। तो इन सारे कमेंट्स में से मैंने चूज किए दोस्तों 30 लोगों के नाम, तो उनका नाम अभी मैं लेने वाला हूं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर जिसने भी किए हैं कमेंट्स सभी को शाउट आउट, और जिसने भी किए हैं लाइक्स सभी को शाउट आउट, और सभी को थैंक यू। तो पहला नाम है देव कुंवर, रमेश कुमार, कार्तिक साहा, अर्श रईन, अर्जुन सताले, अभिनव जतवानी, कृष्णा सोनी हक, देवश्री बासुदास, सलमान सैफी, मिसबा सलीम, विनोद प्रसाद, प्रियजीत सिन्हा, शंभु शर्मा, अनुज करण, नेहा त्रिवेदी, संतोष राम, अंशु सिंह, विमर्श शर्मा, वालिद बाजवा, राम बड़ाना, जूली चैटर्जी, समृता घोष, सुदाम सोनवाने, रोहन बोरा, गुरुदास, मिट्ठू सिंगा, पद्मजा मधुरी, सुवानकर सरकार, रविंद्र कुमार दलाई। तो इनके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आए थे गाइस, इसीलिए मैंने इनका यहाँ पर नाम लिया है। तो अगर चाहते हो आप मैं लूँ आपका नाम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो यार जरूर से इस वीडियो पर लाइक कर देना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चटपट टॉय टीवी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और गाइस नीचे एक बढ़िया वाला कमेंट भी कर देना। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं बाहर, इस ड्रोन को कर लेते हैं टेस्ट। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये ड्रोन आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स गो। दोस्तों आप देख सकते हो कितना स्टेबल उड़ रहा है ये ड्रोन। आप देख सकते हो मैं इसे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ये अपने आप ही उड़ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ड्रोन है यार ये साइमा का।
माय डियर फ्रेंड्स, इस ड्रोन को मैं ऑलरेडी 5 डेज से यूज कर रहा हूँ। तो इसे यूज करने के बाद मुझे ये पता चला कि गाइस, इस ड्रोन की बैटरी कैपेसिटी ठीक ठाक है। अगर आप इसे एक बार चार्ज कर लेते हो तो ये आपको 6 से 7 मिनट तक बैकअप आराम से दे देगा। और गाइस, ये ड्रोन बहुत ही जल्दी चार्ज भी हो जाता है, तकरीबन 20 मिनट में ये फुल चार्ज भी हो जाता है। और गाइस, इस ड्रोन की खास बात ये है कि ये 3D फ्लिप मार सकता है। इस तरह से आप अगर इसे जिस डायरेक्शन में बताओगे उसी डायरेक्शन में ये 3D फ्लिप भी मार देता है। और गाइस, मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ, आप अगर ये ड्रोन परचेस करते हो तो यार इस ड्रोन को बिल्कुल भी आउटडोर में मत फ्लाई करना, क्योंकि यार ये ड्रोन बहुत ही लाइट वेट है। तो गाइस, मैं जब इस ड्रोन को आउटडोर में टेस्ट कर रहा था यार, तो ये ड्रोन मेरे से 2 बार खो चुका था। अगर आउटडोर में थोड़ी भी ज़्यादा सा हवा चल जाए तो गाइस, ये ड्रोन की स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है और ये पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ पर जाकर गिरेगा। तो ये थे दोस्तों इस ड्रोन के प्रोस और कॉन्स। अगर आप इसे फिर भी बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे होती है ख़त्म। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।